हेलो एवरीवन, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हेलमेट को पहनने के बाद बॉल पर अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब बॉल को आप जो हेलमेट की जो ग्रिल होती है ना, यहाँ से कैसे वॉच करोगे। देखिए, जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके साथ में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि वो बॉल को हेलमेट से प्रॉपरली वॉच नहीं कर पाते हैं, और इसलिए उनका जो जजमेंट होता है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जो बिगिनर्स होते हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, और जो लोग हेलमेट का यूज़ बैटिंग करते हुए बहुत कम करते हैं वो भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप हेलमेट पहनने के बाद कैसे बॉल पर पूरा बॉल वॉच करोगे, और कैसे हेलमेट की जो ग्रिल है वहाँ से पूरा फोकस को मेंटेन करोगे। तो बी है वॉच द वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है अलोंग विद द बेल आइकन, तो कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। गाइस, सबसे पहले आप एक हेलमेट लीजिए। हेलमेट मैं वो आपको सजेस्ट करूँगा किसी अच्छी कंपनी का लो, या श्रेय या मशहूरी का। वो हेलमेट थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं पहनने में, और थोड़े से मजबूत भी रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कोई लेदर का बॉल उठाइए और चेक करिए यहाँ पर जो ग्रिल है, इसमें से लेदर का बॉल अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर लेदर का बॉल यहाँ से अंदर जा रहा है फोर्स के साथ में, तो पहले आप अपनी हेलमेट को सेट कर लीजिए प्रॉपरली, क्योंकि जब तक आप हेलमेट को सेट नहीं करोगे ना, आप अपने फोकस को मेंटेन नहीं कर पाओगे। जैसे आप देख रहे हो ये हेलमेट है, मैं इसमें लेदर का बॉल यहाँ से डाल रहा हूँ, अंदर नहीं जाएगा, कैसे भी नहीं जाएगा, मैं फोर्स से डालूंगा तो भी अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हेलमेट को लेने के बाद फिर आप हेलमेट को पहनिए। देखो अभी ये आप पता है, मुझे अपना हेलमेट को यहाँ पर ऐसे सेट करना है कि जो आप देख रहे हो ये ग्रिल में जो गैप है, ये गैप मेरी आंखों के लाइन में रहे। बहुत सारे बिगिनर पता है क्या गलती करते हैं, वो जो हेलमेट को लगाते हैं तो उनका हेलमेट कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से, मतलब वो बॉल को यहाँ से कहीं से वॉच करने का ट्राई करते हैं। जो ग्रिल में और ज़्यादा छेद है ना, ये आपको दिख रहे हैं जगह जगह, ये जगह जगह जो ग्रिल में जो स्पेस है, बैट्समैन बॉल को यहाँ से देखने का वॉच करते हैं। मैं ये आपको एक्सपीरियंस के ब्याह पे बता रहा हूँ, जब मैं अपने अकेडमी में जो बिगिनर होते हैं ना उनको ट्रेन करता हूँ, तब वो ऐसे बॉल को वॉच करने का ट्राई करते हैं। तो आपको कभी भी बॉल को यहाँ वाले जो ये एरिया ना, यहाँ से आप कभी वॉच नहीं करेंगे, आप हमेशा बॉल को वॉच करेंगे यहाँ से। जो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 से 3 इंच का जो गैप है, 2 इंच का गैप जो है यहाँ से, और यहाँ से आप तभी वॉच कर पाओगे जब आप अपने हेलमेट को ऐसे सेट करोगे कि आपकी जो आँखों का जो वो है लेवल है वो इस गैप में आए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है। गाइस, वो तो मैंने आपको बता दिया आपको हेलमेट सेट कैसे करना है। आपने देखा है बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं, आप कभी टीवी में देखिए इंटरनेशनल मैच में, तो बैट्समैन हर शॉट खेलने में अपने हेलमेट को सेट करते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, जिससे उनका आँखों का व्यू ना बिल्कुल यहाँ पे जो बीच में जो ग्रिल में जो गैप है यहाँ पे आ जाए। सेकंड क्या करते हैं बिगिनर्स लोग अपने हेलमेट को बहुत ही लूज, मतलब बहुत लूज रखते हैं हेड पे, तो वो जब भी स्टांस में कभी भी ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं ना, तो उनका हेलमेट हिल जाता है, और हेलमेट हिल जाएगा तो फिर जो ग्रिल है ना, जो आपने अपनी आँखों को सेट किया हुआ है इस गैप में, वो भी हिल जाएगा, और आपका जो ग्रिल है इस ग्रिल पर आपका फोकस आएगा और आप बॉल को फिर देखोगे नहीं, आपका जजमेंट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, हम जब स्टांस लेते हैं तो बहुत सारे बैट्समैन क्या करते हैं, वो बॉल को यहाँ से देखने के बजाय उनका फोकस कभी कभी जो गैप है ना, ये गैप इस गैप में चला जाता है। तो ग्रिल में ये वाला गैप जो होता है वो बॉल को वॉच करने के लिए नहीं होता, ये वाला गैप जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प करता है आपकी। जैसे आपको एक सफिशियंट एयर मिलती रहे, ठीक है, आप जब ग्राउंड पर कहीं भी रन भाग रहे हो तो आप वहाँ पर देखने के लिए मतलब इसका इतना यूज़ नहीं होता। ये आपको मेन मांगे के लिए, आपको ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए, या फिर आपको सफोकेशन ना हो उसके लिए होता है। बॉल को आपको वॉच करना है खाली इस गैप में जो आपके पास 2 इंच का जो गैप है ना। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, देखो आप जो स्टांस लो तो अपनी आँखों को हर बार ये कमांड दो कि मुझे बॉल को इस 2 इंच वाले गैप में से वॉच करना है। सेकेंड, आप हर बार अपने हेलमेट को हर बॉल पर चेक करिए आपका हेलमेट ये वाली जो ग्रिल है आपकी आंखों के सामने है या नहीं है। ठीक है गाइस, एक और चीज़ मैं आपको YouTube वीडियो में बता दूं कि आप हेलमेट को ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे करो, आपको पता है ये तभी हो पाएगा जब आप इसका यूज़ करोगे। आप प्रैक्टिस सेशन में हर बॉल को खेलने के बाद अपना हेलमेट चेक करिए। आप देखते हो बैट्समैन लोगों को, वो अपना हर बॉल खेलने का अपने सारे मतलब वो इसके हैबिटुअल हो जाते हैं। आप सबसे ज़्यादा देखिए स्टीवन स्मिथ को, वो हर शॉट खेलने के बाद अपने पैड को सही करते हैं, थाई पैड ठीक करते हैं, अपना एब्डोमन गार्ड ठीक करते हैं। एक्चुअल में उन्होंने अपने आपको ये हैबिट डाली हुई है, मतलब खुद को कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको हर बॉल को खेलने के बाद अपना हेलमेट चेक करना है, बाकी इक्विपमेंट चेक करने हैं। बहुत सारे बैट्समैन हर बॉल खेलने के बाद अपने ग्लव्स को लूज और टाइट करते हैं,
सुरेश रैना बहुत करते थे, महेंद्र सिंह धोनी बहुत करते थे, ये सारी चीज़ें क्या है, वो अपने आप को कंफर्टेबल एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए करते हैं, ठीक है, ओके। अब आपका पता है क्या, जो हेलमेट होता है ना उसकी ग्रिल भी आपको चेक करनी है, उसकी ग्रिल ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, क्योंकि बैट्समैन बहुत बार स्टांस लेते हैं। देखिए जो नॉन स्टैंडर्ड हेलमेट होते हैं ना वो हेलमेट थोड़े सस्ते तो मिलते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रिल होती है वो कभी भी मतलब आपके हिसाब से कंफर्टेबल नहीं आपको फील करोगे। आप जब स्टांस लोगे तो बहुत सारे हेलमेट की ग्रिल आपके शोल्डर पर लगेगी, तो वहाँ से भी आपका हेलमेट हिल जाएगा। आपका हेलमेट हिल गया तो ये वाला जो स्पेस है आप देख रहे हो वीडियो में, ये वाले स्पेस में बॉल कभी नहीं आप वहाँ से वॉच कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आपको इनको याद रखना है, और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो विद इन 6 to 7 days आप हेलमेट से बहुत अच्छे से बॉल को पिक करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखिए हेलमेट आपके लिए कितना कंफर्टेबल है, ऐसे आप अपना हेड हिला रहे हो या फिर हेलमेट ऊपर नीचे कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो तो हेलमेट ज़्यादा हिल तो नहीं रहा, आपके लिए हेलमेट कितना कंफर्टेबल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गाइस देखो इस वीडियो में ना ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे छोटे पॉइंट थे और कॉमन पॉइंट थे जो कोई बताता नहीं है। ये जो मैंने पॉइंट है, मैं वैसे ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि मैं हेलमेट को लेकर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ठीक है मेरे से लोग कमेंट सेक्शन में डिमांड कर रहे थे इस वीडियो को लेकर, तो मैंने बता दिया। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपका गेम इंप्रूव होगा, ठीक है। आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है और थोड़ा सा कॉमन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में या अपने क्रिकेट बडीज़ के साथ में वीडियो शेयर नहीं किया है तो डू शेयर नाउ। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।